आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको घरों में यूज होने वाला जो वायरिंग वाला वायर है उसमें किस तरीके से कुछ कंपनियां घपला कर देती हैं और आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मौर्य और आप देख रहे हो बिजली वाला। जी, हम बात कर रहे थे कि कुछ कंपनियां किस तरीके से वायरिंग वाले वायर में घपला कर देती हैं। जी, आपको मालूम होगा कि घरों में जो यूज होता है वायर वो कोई ना कोई एक साइज का होता है, जैसे कुछ एमएम होता है, अधिकतर 2.5 एमएम का यूज करा जाता है, ये एक वायर का माप है। तो एक्चुअल में ये ऊपर का पीवीसी का नहीं, उसके अंदर जो वायर लगा रहता है उसका होता है ये माप, जिसको हम 2.5 एमएम या 4 एमएम हम अधिकतर यूज करते हैं अपने घर के वायरिंग में। इसी में क्या करती हैं कुछ कंपनियां घपला कर देती हैं। घपला कैसे करती हैं, मैं बात कर रहा हूँ अंदर वाले वायर की, ठीक है। तो अंदर वाला वायर में क्या करती है, वो कम दे देती हैं। आप ले रहे हो 2.5 एमएम, पर एक्चुअल में वो 2.5 एमएम नहीं होता है, वो थोड़ा सा कम होता है। अधिकतर आप मार्केट में जाते हो तो आप सोचते हो कि मैं थोड़ा सा सस्ता वायर ही ढूंढ लेता हूँ। सस्ता वायर ढूंढने के चक्कर में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। आप लेने जाते हो तो सेम चीज़, जैसे कि आप लेने गए 2.5 एमएम का वायर, आपको दुकानदार भी दिखाएगा 2.5 एमएम का वायर, पर होता नहीं है वो 2.5 एमएम। उसमें आप ज़्यादा पैसा दे के चले आते हो जितना उसका रेट होना चाहिए। यानी 2.5 एमएम का मान लीजिए एक रेट अभी के हिसाब से अगर मान लूँ कि 2800 है, वहीं आपको वो दूसरा वाला माल दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये भी 2.5 एमएम है और उसको आपको 2000 में ही दिया जाएगा। आपको लगेगा यार 800 बच रहे हैं और सेम ही साइज तो है, पर नहीं, आप जो उसके अंदर वायर यूज हुआ है उसके हिसाब से आपने ज़्यादा पैसा दे दिया है एक तरह से, और आपको ठग लिया गया है। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जो वायर बना रही हैं, और ये भाई बहुत ही घातक है। घरों में अगर आप यूज करोगे तो ये गल जाती हैं और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और घरों में या दुकानों में आग लग जाती है इसी चीज़ की वजह से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसको जानना थोड़ा सा, अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप कैसे इसको माप सकते हैं कि आप जो वायर ले रहे हैं वही हो। आप किसी जानी मानी कंपनी वाले वायर के साथ तुलना कर सकते हो, जैसे मैं अभी नाम ले लेता हूँ हैवेल्स, चाहे पॉलीकैब वगैरह का, इनके भी वैसे डुप्लीकेट आते हैं पर सभी लोग नहीं रखते। तो मैं मान लेता हूँ हैवेल्स का वायर है, आप देखना जो हैवेल्स का वायर का 2.5 एमएम का जो वज़न होगा, पहली चीज़ जो वज़न होगा वो बहुत ज़्यादा होगा अगर किसी दूसरे कंपनी का ले रहे हो उससे, क्योंकि वो एक्चुअल साइज में है। और आपको जैसे उसके अंदर जो वायर होती है ना, तो आप जब भी ले रहे हो वायर तो उसको छील के एक बार देख लो, छील के आप क्यों देखोगे, तो जो ओरिजिनल वाला रहेगा उसमें वायर की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी और जो लोकल रहेगा उसके कंपेरिजन में। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि आप जो वायर ले रहे हो वो सही ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। और रहा सस्ता और महंगा का, तो आप सेम चीज़ ही कई सारे दुकानों पर ट्राई मारो, हो सकता है कहीं थोड़ा सा कम सस्ता मिलेगा, ज़्यादा नहीं, हो सकता है 50 या 100 का अंतर हो, क्योंकि कापर के रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकता कोई, क्योंकि कापर के रेट इस समय बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसको एक तरह से आप सोना ही समझो। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं अभी, तो इस चीज़ से इस तरीके से बचा जा सकता है। और इसे ही सेम सारे साइज में अगर 4 एमएम ले रहे हो, 6 एमएम आप ले रहे हो, तो सेम चीज़ ही आपको ट्राई करनी है, नहीं तो वही सेम चीज़ आप ठगे जाओगे। और मैं ये नहीं कहता कि सभी कंपनियां कर रही हैं, कुछ लोकल्स कंपनियां हैं जो कि ये काम कर रही हैं। और एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, आपको सेम कंपनी के 2 डब्बे दिखाए जाएंगे, एक डब्बा होगा नॉर्मल, उसमें क्या होगा कि कहेंगे कि ये थोड़ा सस्ता है, और इसी का एक दूसरा वेरिएंट है सेम साइज का और ये गोल्ड वर्जन है, आप इसको ले लो, इस तरीके से आपसे कहा जाएगा, और 600-700 का अंतर होगा सेम साइज में, आप गोल्ड वाला ही लेना, क्योंकि जो उसका नॉर्मल वाला है वो वही वाला है, घपला किया गया है उसके अंदर, सीधा आप समझ जाना कि हाँ इसमें घपला किया गया है। गोल्ड वाला एक्चुअल साइज़ में है, या फिर उसका दूसरा अपग्रेडेड वर्जन जो भी अगर दिखाए बंदा किसी भी वायर का, 2 वेरिएंट दिखाए, तो समझ लो जो अपर वाला है वो ओरिजिनल है और जो लोअर है वो डुप्लीकेट है, सिंपल चीज़ ये पहचानने वाली बात है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरह से वायरिंग वाले वायर में घपला हो रहा है। एंड अगर इसी तरह का और भी वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।